न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले की जांच एनआईए कर रही है और इसी दौरान एजेंसी ने दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में 20 जगह छापेमारी की है। आपको बता दें कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत 6 गैंगस्टर से पूछताछ के बाद छापेमारी की है। वहीं सूत्रों की जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान कई दूसरे गैंगस्टर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिनके घरों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड मारी गई है। और बता दें आपको कि इन सभी गैंगस्टर के तार विदेश से जुड़े हुए हैं और भारत में टेरर फंडिंग भी काफ़ी हो रही है और इस बात की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई ने नीरज बवाना से पूछताछ में मिली है। आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर एनआईए की यह तीसरी रेड है और इससे पहले 102 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि एनआईए ने पाकिस्तान और आईएसआईएस और गैंगस्टर नेक्सस के खिलाफ कई इनपुट्स इकट्ठा कर चुकी है और कैसे गैंगस्टर का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि एनआईए ने सितंबर में उत्तर भारत में करीब 60 जगहों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने उस समय दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम यूपी में भी छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड समेत कई बड़े गैंगस्टर पर यूएपीए के तहत अलग अलग एफआईआर की थी और गृह मंत्रालय ने आदेश पर एनआईए ने एफआईआर की है और जांच कर रही है। बताते चले आपको कि एफआईआर के मुताबिक स्पेशल सेल को इनपुट मिला है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी विराड और विक्रम बडार, जग्गू भगवानपुरिया और संदीप उर्फ काला जठेडी, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, लखबीर सिंह लाडा देश की अलग अलग जेलों के अलावा कनाडा, पाकिस्तान और दुबई से अपना अपना गैंग चला रहे हैं और ये गैंग विदेश से बड़े हथियार मंगवा रहे हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान ही जूरी प्रमुख इजरायली फिल्म निर्माता नदव लैपिड ने फिल्म की आलोचना कर दी है। आपको बताते चले कि IFFI के मंच से ही नदव लैपिड ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल को एक प्रोपेगेंडा अश्लील फिल्म करार दे दिया है। नदव लैपिड के इस कमेंट के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जहां कांग्रेस ने नदव लैपिड का समर्थन किया, वहीं अशोक पंडित जैसे पंडितों के जख्म पर एक बार फिर से हरे होते हुए दिखाई दिए और इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारत में इजराइल दूतावास ने नदव लैपिड के बयान से किनारा कर लिया है और साथ ही माफी भी मांगी है। इजरायली दूतावास की ओर से ट्विटर पर ओपन लेटर जारी कर कश्मीर फाइल को सच्चाई उजागर करने वाली फिल्म बताया गया है। इस पर अनुपम खेर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में सिद्ध विनायक मंदिर के दर्शन करने के बाद अनुपम खेर ने कहा कि इस बयान का माकूल जवाब देंगे और बयान के बाद जिस तरह से टुलकित गिरोह के सक्रिय हो गया है, लगता है कि ये सब पूर्व नियोजित है और उनके लिए इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। नदव लैपिड एक यहूदी समुदाय से आते हैं और वहाँ भी लोगों ने ऐसे हालात का सामना किया है और इस बयान से उन्होंने उस लोगों को भी पीड़ा दी है जिन्होंने इस कई साल अपने इस शास्त्री को झेला है और ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे ताकि वो ऐसे मंच से हजारों लाखों लोगों की त्रासदी को अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करे। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला की गाड़ी पर दिल्ली के रोहिणी में हमला हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद FSL टीम आफताब को लेकर बाहर निकली थी, तभी कुछ लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और गाड़ी पर हमला कर दिया गया और इन लोगों के हाथों में तलवारें थी और ये आफताब को मारने की बात कह रहे थे। हमला होने पर एक पुलिसकर्मी वैन से बाहर आया और इन लोगों पर बंदूक तान दी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस वैन पर पत्थरबाजी भी की और हमला करने वाले शख्स ने बोला कि उसको 2 मिनट बाहर निकालो, मार दूंगा। आफताब की गाड़ी पर हमला करने वाले कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। हमलावरों ने हिंदू सेना के कार्यकर्ता होने का दावा किया है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जूनागढ़ से कांग्रेस विधायक भीखाभाई जोशी ने कहा है कि
रचीपत समाज के लोगों ने उन्हें बताया कि सोमवार शाम 3 लोगों के बीमार पड़ने के बाद सिविल अस्पताल में कई लोग जमा हो गए थे। जोशी ने IANS को ही बताया है कि स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों लोगों ने बेचैनी की शिकायत की और उल्टी करने लगे, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 लोगों की मौत हो गई है और तीसरे व्यक्ति की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का कहना है मौत का कारण बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। एक मृतक की पहचान रफीक गोघारी के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने स्थानीय मीडिया को बताते हुए जानकारी दी कि शाम को फोन आया था, उसका भाई गांधी चौक में कोई केमिकल पीने के बाद बेहोश हो गया है, इसलिए वो उसे सरकारी अस्पताल में ले गया। हालांकि डॉक्टर ने रफीक को मृत घोषित कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक और शव पड़ा था। उनका आरोप है कि ये मौतें जहरीली शराब की त्रासदी के कारण हो सकती हैं और सरकारी अस्पताल में पुलिस तैनात है और लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों को डर है कि और भी लोग अवैध शराब के शिकार हो सकते हैं, उन्हें बाद में अस्पताल लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 16 IPS अधिकारियों को तबादले किए गए हैं। वाराणसी, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज में नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती की गई है। लक्ष्मी सिंह को पुलिस कमिश्नर नोएडा, अजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद और प्रिंदर सिंह को ही पुलिस कमिश्नर आगरा, रमित शर्मा को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और अशोक मुथा जैन को पुलिस कमिश्नर वाराणसी बनाया गया है। और वहीं SSP गाजियाबाद मुनिराज जी को SSP अयोध्या बनाया गया है। अयोध्या के वर्तमान SSP प्रशांत शर्मा को SP बहराइच बनाया गया है। SSP प्रयागराज शैलेश पांडे को SSP मथुरा बनाया गया है। SSP मथुरा अभिषेक यादव को SP इंटेलिजेंस लखनऊ मुख्यालय बनाया गया है। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश और नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी गई है। बहराइच के SP केशव चौधरी को अपर पुलिस आयुक्त आगरा के पद पर भेजा गया है और आगरा के SSP प्रभाकर चौधरी को 11वीं वाहिनी PAC सीतापुर में ही सेनानायक बनाया गया है। और बताते चले कि बीते दिनों योगी सरकार ने 3 नए कमिश्नरेट को मंजूरी दी थी और ये नए कमिश्नरेट प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद थे। इस प्रकार प्रदेश में अब 7 कमिश्नरेट हैं और लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और कानपुर में पहले से ही कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। अब प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बचाव में उतरे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के शिवपाल को पेंडुलम बताने वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि चाचा शिवपाल पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं चलेगा कहाँ गए। मुख्यमंत्री जी जान ही नहीं पा रहे हैं, वो चाचा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, शिवपाल की सुरक्षा में कटौती करने पर भी यूपी सरकार पर अखिलेश ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है। साथ ही ये भी कहना कि पेंडुलम समय के गतिमान होने पर प्रतीक है और वो सबके समय को बदलने का संकेत भी देता है और ये भी कहता है कि ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जाए। आपको बताते चले कि CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में BJP उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और यहां CM योगी ने ही अखिलेश यादव और शिवपाल पर जमकर निशाना साधा है और CM ने कहा है कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं और अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक चरित्र केवल परिवारवाद का है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां है। पेंडुलम जो है लोगों की क्षमता है,
ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत प्रत्येक थाने में एक से दो कैमरे लगाकर खानापूर्ति की गई थी। और जिन दो स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे उनमें थाना कार्यालय और हवालात शामिल है। प्रदेश भर में थानों के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी और इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। आपको बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश भर में सभी थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसी के आदेश के अनुपालन में यूपी में भी थानों में कैमरे लगाए जाने का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रत्येक थाने में एक से दो कैमरे लगाकर खानापूर्ति की गई थी और जिन दो स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे उनमें थाना कार्यालय और हवालात शामिल है। अब पूरे थाने परिसर को कवर करने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश भर के लगभग 1700 थानों को 3 श्रेणियों में बांटकर कैमरे लगाने की योजना है। बड़े स्थानों में ही 16 कैमरे, मध्यम श्रेणी के थानों में 12 और छोटे थानों में 8 कैमरे लगाए जाने हैं। इसके लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और सूत्रों का कहना है कि इस साल के अंत तक सभी थानों में कैमरे लगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और इस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, थानों के चप्पे चप्पे पर अब नजर रखी जाएगी, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल, ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार के तहत ये फैसला लिया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है थानों के अंदर मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का एक आदेश था। थानों में कुछ थानों में लगे, कुछ थानों में लगे थे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से घटनाएं जो थाने में आ रही थी, चाहे वो महिलाओं से लेकर के पुलिस वालों के अभद्रता हो, चाहे वो शिकायतकर्ता से ऊपर अभद्रता हो, चाहे वो उत्पीड़न का मामला हो, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया, जो स्थिति निर्देश दिया है। और मानव अधिकार के जो हनन है, उस मानव अधिकार के जो यानी उनके जो अधिकार है, उनके तहत ये आदेश कर दिया गया है कि जो बड़े थाने हैं वहाँ पर 16 कैमरे लगेंगे और जो मध्यम थाने हैं वहाँ पर 12 कैमरे लगेंगे। और दूसरी चीज, दो दो सीसीटीवी लगा कर केवल खाना पूर्ति की जा रही थी, अब ये खाना पूर्ति पर काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के देखिए दखल में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आए हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जो है वो काफी ज्यादा मुझे लगता है स्ट्रिक्ट और ईमानदार माने जाते हैं और किसी भी मामले में कोताही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरीके अब थानों में कैमरे लगाए जाए, कैमरे लगाने पर जो मानव अधिकार यानी कि जो लोग शिकायत करता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, थाने में जाते हुए डरते हैं। ये हकीकत है, सच बात है कि आज भी लोग थाने में जाते हुए डरते हैं। अगर जो पीड़ित है या परिवार तो वो भी बस जाते हुए डरता है कि शायद उनको इंसाफ देर से मिलेगा या हो सकता है उनसे सवाल कर लिया जाए। जिसको लेकर के थानों में कैमरे लगाने के जो आदेश दिए गए हैं, अब 17 कैमरे जो है बड़े थानों में लगेंगे और 12 कैमरे छोटे थानों में लगेंगे। तो जब कैमरे लगेंगे तो उसकी मॉनिटरिंग जो है यानी कि जोन से होगी और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होगी। इससे कहीं ना कहीं थानों पर जो अंकुश करना है करप्शन को लेकर के, या जो मानव अधिकार की जो हनन है, या शिकायतकर्ताओं की जो गंभीरता नहीं है, उसको लेकर के जो है अब जो इसकी मॉनिटरिंग ऊपर से होगी। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक लगाम लगाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण की जरूरत हर हाल में वहां के पुलिस कर्मियों की इतनी जरूरत है। लेकिन इंस्पेक्टर रहेंगे, प्रशिक्षण कमियों पर देखने को मिल रहा था। इससे मॉनिटरिंग के तहत जो कैमरे लगाए गए हैं, इससे मुझे लगता है कुछ बहुत तक हद तक लगाम लगेगी और शिकायतकर्ताओं की गंभीरता दिखाई जाएगी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि तीसरी आंख उनके हर काम पे नजर रख रही है। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगते हैं कि उनका आम जनता के साथ बर्ताव ठीक नहीं है, वो भी इसमें साफ हो जाया करेगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई किसी मामले में हस्तक्षेप करता है या कोई आदेश करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपना एक आधार होता है और उसके बेस होता है। सुप्रीम कोर्ट देखिए जब भी कोई काम करेगा उसके पास एक बेस होगा और बेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी देकर के एक निर्देश भी कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से जो थाने हैं उन थानों में या सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। देखिए जब कैमरे लगे उसके बाद भी एक प्रक्रिया होनी है, यानी जब कैमरे लगा लिए जाए तो उस कैमरों को चालू रखा जाए। कभी ऐसा ना हो कि उस थाने में कैमरे लगे हुए हैं तो वो खाना पूर्ति के शोक किस में टंगे हुए हैं, यानी कोई वारदात हो गई या किसी ने बदतमीजी कर दी किसी पुलिसकर्मी या किसी इंस्पेक्टर थाने दरोगा ने किसी परियादी किसी महिला के साथ,
था तो वो उस वक्त रिकॉर्ड ना हो पाए और थाने ये बता करके पल्ला झाड़ा जाए कि भाई कैमरे तो उस समय बंद थे। तो इनको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को फोकस करना पड़ेगा और इसके पीछे एक मॉनिटर ये भी करना पड़ेगा कि कैमरे सुचारू रूप से चालू हो, हर थाने में कैमरे लगाए जाए, जो विवादित थाने वहां पर 17 कैमरों को लगाया जाए और जो बड़े थाने हैं मध्यम वर्ग के वहां पर कैमरों की निगरानी की जाए और इस कैमरों की निगरानी के लिए बाकायदा एक सेल बनाया जाए। जब इस सेल में बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग होगी और इसका जो इसके जो फुटेज है उन फुटेजों में छेड़छाड़ न की जाए, उन फुटेजों को भी मिसगाइड न किया जाए, उन फुटेजों को रिमूव न किया जाए, तभी जाकर के थानों के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी और शिकायतकर्ता निष्पक्ष होकर के निडर होकर के थाने में जाएगा और सोचेगा कि आज मुझे यहाँ से इंसाफ मिलना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया है, आदेश पे तीसरी आंख मुझे सब देख रही है। कल पुलिस कर्मी अगर कोई झूठ बोलेंगे या वो अपने बचाने की कोशिश करेंगे अपने विभाग को कि नहीं शिकायतकर्ता ने ऐसा नहीं, अक्सर जो मामले आते हैं उसमें पुलिस की जांच जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट पर ज्यादातर अपने विभाग को बचाने का प्रयास किया जाता है और शिकायतकर्ता पर ही फंसाने का प्रयास किया जाता है। इससे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश मुझे लगता है बेहद शानदार है और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि मानव अधिकार के साथ साथ उत्तर जो यूपी में और भारत में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, शिकायतकर्ता है, मजलूम है, जो निर्दोष लोग हैं उनके लिए बहुत मुफीद है और सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की निगरानी में अभी बहुत सारे काम होने हैं और जिस तरीके से उन्होंने थानों पर कैमरे की निगरानी की इससे करप्शन पर बहुत हद तक लगाम लगेगी। जी बिल्कुल दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है और जल्द ही रिवर फ्रंट घोटाले की जांच सीबीआई अपने हाथ में ले सकती है और इस मामले में प्रस्ताव प्रमुख शिवपाल यादव की मुश्किलें जल्द बढ़ सकती हैं। चाचा शिवपाल ने जब से अखिलेश का हाथ थामा है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सोमवार को शिवपाल की सुरक्षा कम कर दी गई और इसके बाद मंगलवार उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। शिवपाल पर सीबीआई ने सरकार से मंजूरी मांगी है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने शिवपाल समेत दो अफसरों की पड़ताल के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। सीबीआई ने सरकार से शिवपाल और दो अफसरों से पूछताछ और उनकी भूमिका की पड़ताल अनुमति जो है वो मांगी है। बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यालय के दौरान गोमती रिवर फ्रंट मामले की न्यायिक जांच कराई थी और जांच में भारी घोटाले की पुष्टि होने के बाद सीबीआई को मामला सौंपा गया है। तब से सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है और गौर हो कि इस समय गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, शिवपाल यादव तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार दानिश वारसी बने हुए हैं। दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया है पूरी अपडेट दीजिए। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश कह सकता हूँ कि शिवपाल यादव ने अपने भतीजे से हाथ मिलाया और उधर भाजपा में खलबली मच गई, यानी दो दिल जुड़े और कहीं आग लग गई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर शिवपाल यादव मैं कह सकता हूँ पहले मंत्री भी थे और उसके बाद रिवर फ्रंट के पूरे मामलों में वो निगरानी भी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच यानी सीबीआई ने जो अनुमति मांगी है, सीबीआई की रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि आप शिवपाल यादव के साथ साथ जो रिवर फ्रंट का घोटाला है उसमें सीबीआई की एंट्री होने वाली है। जब सीबीआई की एंट्री होगी तो एकदम फिल्मी स्टाइल में ये काम हो रहा है। इधर चाचा भतीजे से मिलन कर रहे हैं, इधर दो दिल मिल रहे हैं और उधर धुआं उठ रहा है, आग कहीं और लग रही है, जिससे सीबीआई की एंट्री हो रही है। सीबीआई रिवर फ्रंट के मामले में दो अधिकारी जो ऐसे उनसे भी पूछताछ करने के लिए प्लान बना रही है। सीबीआई को अगर अनुमति मिल गई तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आएगा और जिस तरीके से शिवपाल यादव पर अगर सीबीआई की जांच शुरू होती है तो कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी पार्टियों में भी दहशत का माहौल बनेगा और ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की सीबीआई की जब एंट्री होगी तो सीबीआई किस इन आधारों पर एंट्री करना चाहती है, उसके बाद ऐसे कौन से प्रमाण है, अनुमति जो मांगी गई क्या वो अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से माहौल गर्म है, केवल हथौड़ा मारना है और सीबीआई को जैसे ही आदेश मिलेगा वो पूरी तरीके से इसमें एंट्री उसकी हो जाएगी। सीबीआई में जो रिवर फ्रंट में जो करोड़ों के घोटाले हैं उन घोटालों से संबंधित अधिकारियों से पूछताछ होगी। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपी के 3 आईएएस अधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी जांच के लिए सीबीआई अनुमति मांग रही है, यानी अगर उनसे भी अनुमति मिल गई तो वो 3 आईएएस कौन है जिन्होंने रिवर फ्रंट घोटाले में सहयोग दिया और रिवर फ्रंट घोटाले के साथ साथ क्या वो रिवर फ्रंट घोटाले के दोषी हैं या कोई और विभाग का भ्रष्टाचार है जिसमें सीबीआई अनुमति मांग रही है 3 आईएएस से मंजूरी की। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। मेनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि बसरेहर ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव और
बबलू प्रसपा के ही पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने समेत सैकड़ों शिवपाल यादव के करीबी लोग शिवपाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब नेताजी विचारधारा को भटका रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हम भाजपा में शामिल हुए हैं। हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटेंगे। इटावा में चंबल सेंचुरी इलाके में मादा तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। चंबल सेंचुरी इलाके में ही तेंदुए के शिकार हुए आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि तेंदुआ कटीले पेड़ों के बीच में फंस गया था। स्थानीय लोगों की माने तो दौड़ लगाते वक्त बबूल के कटीले पेड़ों में फंसने से तेंदुए की मौत हो गई है। मृत तेंदुए की उम्र अनुमानित 5 साल के करीब की बताई जा रही है। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रधान जी, एक तेंदुआ मरा है यहाँ जंगल में, क्या वजह है, क्या कारण? मुझे सुबह सूचना मिली गाँव वासियों से कि ऐसे ऐसे तेंदुआ ख़त्म हो गया है पेड़ में फंस के। तो हम सुबह यहाँ आए, मट्टी का डेला फेंकवाया, देखा वो कोई हलचल नहीं थी उसके अंदर। फिर हमने वन विभाग में ओम प्रकाश दरोगा को सूचित कर दिया, वो सुबह आ गए थे। वन विभाग टीम आई है, क्या कब्जे में ले लिया? हाँ, सब उसने तेंदुआ अपने कब्जे में ले लिया, वो अपने कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिन पहले की घटना है ये? ना कल की है, कल के आसपास, कल मतलब बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि महर्षि पतंजलि का रामदेव को श्राप लगा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और सांसद ने कहा कि जितना मुद्भद्दा तरीका रामदेव ने अपनाया, उसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है। इसको लेकर महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया है। तो गोंडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है, रामदेव की बुद्धि जो है वह भ्रष्ट हो चुकी है ऐसा कह रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव पर विवादित बयान देकर हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महर्षि पतंजलि का रामदेव को श्राप लग गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सांसद ने कहा कि जितना भद्दा तरीका रामदेव ने अपनाया, उसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है। इसको लेकर महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया है। ये पतंजलि जी का श्राप लग गया है उनको, इसीलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और उनकी बुद्धि इस समय भ्रष्ट है। आज महिलाओं को लेकर के जिस टिप्पणी को उन्होंने किया है, और जितना मतलब जितना भद्दा तरीका उन्होंने अपनाया है, उसको देश में बहुत उनकी आलोचना हो रही है। और हमने तो सुना है कि महिला आयोग ने भी उनको नोटिस दिया है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि महिलाएं जुलूस निकालने की तैयारी कर रही हैं, लड़कियां जुलूस निकालने की तैयारी कर रही हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर छेड़ने वाला है। बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर एक के बाद एक चोरियों को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महिला अस्पताल के सामने GIC ऑडिटोरियम में लगी प्रदर्शनी के बाहर से युवक की बाइक चोरी हो गई, और ताहिर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह गाड़ी खड़ी करके ही चाट की दुकान पर पतासे खाने चला गया था, और इतना ही नहीं, देर में कोई उसकी बाइक चोरी कर ले गया। ताहिर ने ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी 100 डायल में से गाड़ी चोरी की शिकायत की, तो 100 डायल वालों ने कहा कि कोतवाली जाकर शिकायत करो। ताहिर ने बताया है कि जहां से गाड़ी चोरी हुई है, उसी से चंद कदमों की दूरी पर ही 100 डायल खड़ी हुई थी, और इसके बाद भी चोरों ने गाड़ी चुरा ली। और इसी खबर पर हमारे साथ बाराबंकी से हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, चोरी का मामला सामने आया है, विस्तार से बताइए।
ये बाराबंकी ऑडिटोरियम है, इसके बाद प्रदर्शनी लगी हुई है, तो उसी के बाद एक लड़के ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी और साइड की दुकान पर बताशे पहने गए थे। उतनी देर में 5 से 10 मिनट की दूरी में गाड़ी चोरी हो गई। जब उसने 100 डायल से शिकायत की इसकी, तो 100 डायल वालों ने कहा कि ये आप जाइए कोतवाली में शिकायत करिए। और ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी लगातार चोरियां हो रही हैं और प्रदर्शनी में ना कोई सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रशासन से कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो है चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार चोरी को अंजाम देते जा रहे हैं। ऋषभ, पुलिस प्रशासन इसको लेकर कितनी सतर्क नजर आ रही है? आप इस बात से मजा लगा सकते हैं कि जब वो 100 डायल के पास से खड़ी हुई गाड़ी चोरी हो रही है और चोर पुलिस के सामने गाड़ी को चोरी कर रहे हैं, तो प्रशासन कितना सतर्क है इस बात से मजा लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, पुलिस पेट्रोलिंग के लिए सतर्कता इस घटना से देखी जा सकती है। जी ऋषभ, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं चोरी की? इससे पहले भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसी प्रदर्शनी के बाद कुछ दिन पहले ये गाड़ी का जो ताला टूटा था, अगर उस गाड़ी में चैन ना लगी होती तो शायद वो गाड़ी भी चोरी हो गई होगी। और वहाँ के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी एक दो गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं, लेकिन जिस पर प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है। जी प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है ऋषभ? प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह है, क्योंकि अगर लापरवाह ना होता तो इस तरह की घटनाएं ना घटित हो रही होती। और ये कोई गाड़ी चोरी नहीं, पूरे जनपद में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। और इस पे कोई भी देना हो गया या जयपुर थाना हो गया या कहीं भी है, सब जगह पर चोरियों की जो है लगातार घटनाएं डेली डे की आ रही है। ऋषभ, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है जो इस चोरी की वारदातों को अंजाम दिया कर रहा है? जी बिल्कुल, कोई ना कोई गिरोह है। जब खुलासा पुलिस करेगी तभी इस बात की जानकारी हो पाएगी कि कहीं ना कहीं कोई गिरोह इस पे गाड़ी चोरियों पे और अन्य चोरियों पे गिरोह का ही काम होगा। जी ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।